स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। उस कोकिला को रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो कोकिला घर पहुंच जाती ना तो जेल में सड़ रही होती। हाँ भाभी, मुझे भी यहाँ से फौरन निकल लेना चाहिए, वरना कहीं इन लोगों ने मुझे पुलिस को सौंप दिया तो। नहीं राधा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अस्पताल जाओ, क्योंकि कोकी की हालत देख के हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसे कुछ दिनों तक होश ही ना आए। साथ निभाना साथिया। तुम जानते हो मैं तुम्हारी कौन हूं? मैं तुम्हारी आपकी कौन लगती है बेटा? नहीं मालूम। माजी। माजी उठो ना माजी। बेटा, गोपी से कहना तुम्हारा ख्याल रखे। गोपी, गो राधा, ऐसा सपने में भी मत सोचना कि मैं अपनी बेटी को तेरे पास यहां छोड़कर जाऊंगी। विद्या मेरी बेटी है और मैं उसकी मां हूं। और एक बात याद रख, मेरे जीते जी मेरी बेटी की मां बनने की कोशिश भी मत करना। मुझे कोई एतराज नहीं है कि अहम जी तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लेकिन विद्या उसके बारे में सोचना भी मत। तू उसकी मां कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। मेरी बेटी अपनी मां के बगैर कभी नहीं रहेगी। बस बस, हम सब जानते हैं आपने अपनी पहली बेटी के साथ। चुप! खबरदार, जो तूने उस हादसे के बारे में फिर से कभी जिक्र भी किया। एकदम चुप राधा, मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूं, विद्या को नहीं खोऊंगी। मुझसे मेरी बेटी को कोई नहीं अलग कर सकता। ये सब बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, अदालत का समय बीता जा रहा है, हमें चलना चाहिए। Thank you.
धन्यवाद जिगर भाई। अदालत के लिए देरी हो रही, हमें चलना चाहिए। वाह, मॉम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कोकिला का एक्सीडेंट? और वो सिटी हॉस्पिटल में, मैं वहीं जा रहा हूँ। जल्दी चलिए, हमें माँ जी के पास फौरन पहुंचना होगा। मैं जा रहा हूँ ना, और उन्हें तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, क्या आप ले चलेंगे मुझे माँ जी के पास? बच्चे सो गए हैं ना, तो मैं उनके पास जाके बैठती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। हेलो भाभी, भाभी आपने ये क्या कर डाला? कानी काकी अस्पताल में? भाड़ में गई तुम्हारी काकी जी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी अहम से अब तक शादी हुई या नहीं? नहीं, उस गोपी ने इस घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर डाला। और जब हम लोग निकलने को ही थे, नानी काकी के बारे में खबर आ गई कि उनके साथ कोई दुर्घटना हुई। देखो राधा, उस कोकिला को रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो कोकिला घर पहुंच जाती ना, तुम जेल में चढ़ रही होती। हाँ भाभी, मुझे भी यहाँ से फौरन निकल लेना चाहिए, वरना कहीं इन लोगों ने मुझे पुलिस को सौंप दिया तो? नहीं राधा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अस्पताल जाओ, क्योंकि कोकी की हालत देख के हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसे कुछ दिनों तक होश ही ना आए। दरअसल राधा, ये एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा था, और हो सकता है वो जिंदा ना हो। क्या राधा, ये मत भूलो कि उमंग जी की मौत के पीछे इस कोकिला की भी तो भागीदारी थी, और ये अगर ऊपर चली ही जाती है तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि इसके रोज के इन हथकंडों से हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, और उसके बाद वही होगा जो हमने सोचा था, क्योंकि यह हमारे लिए आखिरी मौका है मोदियों को सबक सिखाने का। पर भाभी, अगर नानी काकी को होश आ गया? राधा, जब ओखली में सिर डाल ही दिया है ना, तो मुसल से क्या डरना। तुम बस अब एक काम करो, जल्द से जल्द अस्पताल जाओ और उधर की पल पल की जानकारी मुझे दो। समझे जी? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।